नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में करवा चौथ की पूजा आपको कैसे करनी है, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तब भी आपको इसी प्रकार पूजा करनी है, आप पहले भी करते हैं तब इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत जो है वो रखा जाएगा 1 नवम्बर के दिन, और इसकी पूजा जो है शाम के समय होती है। शाम के समय चांद निकलने से पहले पूजा कर ली जाती है, और चांद जब निकल आता है तब हम उसको अर्घ देते हैं, और अर्घ देने के बाद हमारी चंद्र पूजा के साथ ये व्रत पूर्ण होता है, इसका पारण उसके बाद कर दिया जाता है। तो अगर आप पहली व्रत कर रहे हैं या वैसे भी, तो जो भी आपकी जानकारी है, जो भी सवाल हैं, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि कैसे आसानी से कम सामान के साथ सरल रूप से आप पूजा कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इसमें है। साथ ही साथ सास को सर्गी में क्या देना, सास को आपको क्या देना चाहिए बायना के लिए, और सुहाग की सामग्री आपको चढ़ानी चाहिए उसके अतिरिक्त कि नहीं, वो भी इस वीडियो में सब आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि पूजा आपको करवा चौथ के दिन शाम के समय करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आप एक पूजा की चौकी ले लीजिए। बहुत से लोग जैसे ग्रुप में बैठ के करते हैं तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, और अगर अकेले के घर में कर रहे हैं तो पूजा की एक चौकी ले लीजिए, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए, और इस तरह से करवा माता की फ़ोटो आती है कुछ जगहों पर, जैसे आप फ़ोटो ले सकते हैं, नहीं तो कैलेंडर की तरह आता है तो आप वो कैलेंडर भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको मिल जाता है। आप उसको वापस मोड़ के रख लीजिए और आप दोबारा अगले साल उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको करवा माता को चुनरी ऊपर चढ़ा देनी है इस तरह से, और एक करवा लेना है, मिट्टी के करवे लेने हैं। करवा के ऊपर आप मौली गले में लपेट दीजिएगा, और उसमें करवा के अंदर आप चाहे तो चावल, कोई अनाज भरते हैं चाहे तो आप चावल भर दीजिए, चाहे तो आप गेहूं भर दीजिए। कुछ लोग के यहाँ देखिए उसमें मेवे भरे जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है, नहीं तो उसमें अनाज ही हम लोग के यहाँ भरा जाता है, चाहे गेहूँ या चावल, तो वो भर दीजिए। करवे के ऊपर आपको शक्कर, कोई मीठा रखना होता है चाहे तो मिठाई रख दें या फिर चीनी रख दें, इस तरह से मैंने चीनी रख दिया है। सीके या सीख जो आती है इसको आप करवा का मुख पे लगा सकते हैं, जिस तरह से ये लगाया जाता है। और एक दूसरा करवा भी आपको चाहिए होगा, चाहे तो मिट्टी का ले लें और चाहे तो धातु का करवा ले लें आता है। जो दूसरा करवा है इससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसमें हम जल भर के रख लेते हैं, उस पर भी आप जो है स्वास्तिक बना दीजिए, गले में मौली लपेट दीजिए और उसमें जल भर कर रख दीजिए। एक करवा को और दोनों करवा को हम नीचे फूल और अक्षत का आसन देते हुए रख देते हैं। माता को भी इस तरह से हमने दोनों चीज़ें रख दी हैं, सीका और सामान सब रख दिया है। अब देखिए, गणेश भगवान को आप चाहें तो अलग से स्थापित कर सकते हैं, और नहीं तो फोटो जो होती है उसमें गणेश भगवान बने हुए हैं तो अलग से स्थापित करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी में हम पूजा कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो मिट्टी और या फिर गोबर से बने गौड़ी गणेश होते हैं उनकी पूजा की जाती है, हर सुहाग की पूजा में, व्रत में उनकी पूजा जरूर की जाती है। तो सुपारी का जो है प्रतीक के रूप में गणेश जी हैं, और गोबर से या मिट्टी से बनती हैं गौरी माता, कलावा लपेट के उनको पान के ऊपर मैंने स्थापित कर लिया है। हर सुहाग व्रत में इनका पूजन किया जाता है। उसके बाद आप हाथ में अक्षत और थोड़ा सा फूल लेके व्रत करने का संकल्प करें कि आप निर्जला व्रत रखेंगे, और एक दीपक जो है आप इस तरह से जला के रख दीजिए। जब आप पूजा करते हैं तब से आपको जलाना होता है, और जब आप चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं तब तक ये दीपक जलते रहना चाहिए, मतलब बीच में ऐसा नहीं पूजा के बाद दीपक बुझ गया, नहीं, जब तक चंद्रमा को अर्घ देंगे मतलब व्रत का पारण कर देंगे तब तक ये दीपक जलते रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दीपक मैंने ले लिया है। इसके बाद आपको सभी को रोली से तिलक लगाना है, करवा दोनों करवा पर आपको स्वास्तिक बना लेना है, दीपक की भी पूजा कर लेनी है, और फोटो में जितने हैं करवा माता हैं, साथ ही साथ सूर्य भगवान हैं, चंद्रदेव हैं, सुहागन स्त्रियाँ हैं, मतलब पुरुष हैं, उन सभी को हमको रोली से चंदन करना है। इसके बाद सिंदूर से आप जो है पहले गणेश भगवान को टीका कर देंगे, गौरी माता को सिंदूर लगा देंगे, करवा माता को, और फोटो में जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं उन सभी को हमको सिंदूर से तिलक लगा देना है। इस तरह से आप सिंदूर से और रोली से टीका कर लिए हैं, हर जगह पर आपने टीका कर लेना है। फिर करवे के ऊपर आपको दक्षिणा भी कुछ ज़रूर रख देनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद सभी को फूल और माला अर्पित करनी है, सभी अगर आपके पास फूलों की माला है तो वो करवा माता को चढ़ा दें, नहीं तो फूल और किसी भी प्रकार की फूल आप इस पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक फूल नहीं है कि इसी तरह से आपको चढ़ाना है।
फिर आपको गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करनी है, मतलब मैंने जो सुपारी ले रखी है गणेश भगवान के प्रतीक के रूप में उनको दूर्वा अर्पित कर दिया है, और सभी को वस्त्र के रूप में अब एक एक करके आपको मौली तोड़ तोड़ के मौली चढ़ा देना है। गणेश भगवान को चढ़ा दिया, गौरी माता को कलश के ऊपर भी आपने करवा जो है उसके ऊपर भी रख दिया है और माता को भी चढ़ा दिया। देखिए कुछ लोगों के यहाँ दोस्तों कलश की स्थापना की जाती है, तो अगर ऐसा है तो आप कलश स्थापना कर दीजिए। हमारे यहाँ पर कलश स्थापना नहीं की जाती है करवा चौथ में, तो कलश स्थापना नहीं किया है। गणेश भगवान को आपने जनेऊ चढ़ा दिया है, उसके बाद आपको जो भी मौसमी फल मिलते हैं भोग के रूप में मौसमी फल ले लीजिएगा, मिठाइयाँ वगैरह ले लीजिएगा, और साथ ही मेवे जो आते हैं ड्राई फ्रूट्स वो भी भोग चढ़ाने के लिए ले लीजिए। और उस दिन आपने जो पकवान बनाए होते हैं, मतलब जो व्रत के बाद आप करेंगे, कुछ लोग के यहाँ फरे बनते हैं, हमारे यहाँ फरे बनते हैं, तो फरे भोग प्रसाद में वो भी चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ अगर ऐसा है तो जो भी आप बनाएंगे खाना खाने के लिए शाम के समय में वो आप भोग में चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ा दीजिएगा वो भी चीज़ें। फिर गौरी माता को आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, और ये सुहाग का सामान जो है आप स्वयं इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी और को नहीं, चाहे तो शेयर कर सकती हैं किसी और से, लेकिन वो आप खुद इस्तेमाल करने के लिए होता है, क्योंकि आप सुहाग का उनसे सुहाग लेंगी तब आपको चाहिए होता है। गौरी माता को अपने मुख्य चीज़ें, अब सास को बायना के रूप में आपकी चीज़ें दिखा रहे हैं, आप एक साड़ी ले लीजिएगा, सिंदूर मेहंदी बिंदी चूड़ियाँ कंघी और बिछुआ। बिछुआ कंपलसरी नहीं होता है, अगर आपकी सामर्थ्य है आप दे सके तो दे दीजिएगा, अच्छी चीज़ होती है, सुहाग की चीज़ होती है, ये चीज़ आप अपनी सास को देंगी। अगर सास ना हो तो आप ननद को दे सकती हैं, मान लीजिए सास और ननद दोनों नहीं है तो अपने ससुराल पक्ष में किसी भी स्त्री को दे सकती हैं, जैसे जिसका आप पाँच होती हूँ आपके लिए मान्य हो ऐसी स्त्री को आप दे सकती हैं ससुराल पक्ष में ये बायना। इसके बाद आपको करवा हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और फूल ले लीजिए, और करवा चौथ की व्रत कथा की पुस्तक आती है वहां से करवा चौथ की करवा माता की व्रत कथा पढ़ेंगे, गणेश भगवान की व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसके बाद आपको आरती कर लेनी है, आप एक आरती की थाली ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए, थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए, उसमें फूल बिखेर लीजिएगा। फिर आपको कपूर, एक घी का दीपक जलाना है और एक कपूर जलाना है, और दोनों से आपको आरती करनी है। आरती करते हुए आप गणेश, कपूर से भी आप आरती करेंगे, आरती करते हुए आपको गणेश भगवान की सबसे पहले आरती करनी है, फिर अगर आपकी बुक है तो उसमें करवा माता की आरती अगर है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो गणेश भगवान की आरती कर लीजिएगा और गौरी माता की आरती कर लीजिएगा आप, क्योंकि गौरी माता का सुहाग का व्रत होता है और इस दिन शिव परिवार की भी पूजा की जाती है, तो गणेश भगवान और गौरी माता की आपको आरती कर लेनी है। आरती के बाद जो है आपको भगवान से जो भी आपसे गलती भूल चूक हो जाती है उससे आपको क्षमा मांगना है, करवा माता से अपने सुहाग के अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि करवा माता हमेशा आपके सुहाग की रक्षा करें गणेश भगवान, साथ ही आपकी गलतियां पूजा में पाठ में जो भी भूल चूक त्रुटि कोई रह गई हो तो उसके लिए अपना छोटा नादान बच्चा समझकर आपको क्षमा करें, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको अंत में सुहाग लेना होता है, आपने जो भी चुनरी या ले रखा होता है ओढ़ रखा है या पल्लू साड़ी का उसको आपको हाथ में रखना है। उसके बाद आप अपनी मांग में गौरी माता से सिंदूर लेंगे और अपनी मांग में लगा लेंगे, तीन बार आपको लगाना होता है अनामिका उंगली से। फिर आप बाद में पूजा के बाद में चूड़ियाँ जो चढ़ाई हैं वो भी दो चार चूड़ियाँ हाथ में निकाल के आपको डाल लेनी होती है। इस तरह से दोस्तों आपका करवा चौथ का जो पूजा होती है वो पूर्ण होती है। इस प्रकार से अगर आप इस तरह से शाम को पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है चांद निकलने पे, और उसके पति पूजन करना होता है, पति के हाथ से पानी पीना होता है और व्रत का पारण कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उन तक भी जानकारी पहुँचे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता और गणेश भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी का कल्याण इसी प्रकार से होता रहे। जय करवा माता की, जय गणेश भगवान की, जय माता दी।